फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम जाने वाले मार्केट। बस अभी रेडी हो जाऊंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मार्केट से लेके क्या क्या आई हूँ। बस नॉर्मली जो घर में यूज़ होने वाला वही थोड़ा सा सामान लाना है। तो विशाल जाएंगे हम। अगर वहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हम विशाल में क्या क्या लेके आए। बाकी अगर नहीं रिकॉर्ड कर पाई तो मैं आपको घर पे तो दिखाई दूंगी कि क्या क्या लेके आई हूँ, ठीक है? और तो अभी मैं आपको रेडी होके, हाँ ये कर लो पहले। हो गई हूँ रेडी। तो हम अब जाने वाले हैं मार्केट। मैं और मम्मा जा रहे हैं, बस सामान लेके आना है। थोड़ा सा मैं आके दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। अब देखते कितने बजे तक आता है, क्योंकि वहाँ पर जाने से तो टाइम लग ही जाता है। वैसे ऐसे दोनों साइड बाल रखने से अच्छा लगे ना, ऐसे एक साइड ऐसे करने से। तो देखेंगे क्या लेके आते हैं वहाँ से। और आज मैं बनाऊंगी बेबी कॉर्न, तो आपको बताऊंगी कि वो कैसे कैसे बनाते हैं और कैसा लगता है। वो फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, ठीक है? तो अब मैं मार्केट से आने के बाद मिलती हूँ। तो हम अब घर आ गए हैं और सामान वहाँ पर रखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर, पहले पानी पी लो क्योंकि मैं बहुत थकी। और वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। बाल देख रहे मेरे कैसे हो गए वहाँ पर। एक तो सर्दी आ गए और ऊपर से ना बाल भी इतने रुखे रुखे से हो रहे हैं। तो पहले पानी पी लेते, उसके बाद बात करते सारा आपका। और अगर मेरे को ठंडा पानी भी नहीं पीना है, नॉर्मल पानी पीऊँगी। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक जितना पी लो, लेकिन पानी सबसे बेस्ट होता है। तो अब हमने पी लिया और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेके क्या आई हूँ 5 मिनट बाद। उसके बाद हम करेंगे लंच। सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, ठीक है? तो पहले आपको मैं कपड़े दिखा लेती हूँ। दिखाती हूँ आपको भी। हम गए थे विशाल मेगा मार्ट। उसका बिल ये देखो, कितना लंबा चौड़ा बिल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लेके क्या आई हूँ। हम लेके आए हैं ये देखो, ये कुर्ती। ये है मेरी मम्मी की चॉइस का, है मेरी मम्मी की चॉइस का। ये कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। तो अभी मैं रख देता हूँ साइड में, मम्मी आके डांटेगी, मम्मी बोलेगी इतना गंदा कर दिया। और ये देखो सेम सेम पीस, आप बोलोगे कि ये सेम सेम एक ही पीस क्यों लेके आए। तो ये है मेरी बहन का और सेम ही डिज़ाइन है सेकंड वाले पे भी। ये दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो यही सेम पीस है मेरा भी, मेरे और मेरी बहन का सेम सेम, क्योंकि ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसने बोला कि कोई सा भी ले लो, तो इसलिए हमने कोई सा। और ये हैंकी है, बिकॉज अभी सर्दी आ रही है ना, वैसे भी हैंकी तो यूज़ होता ही है। सो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हम ये वाला लेके आए। और हम ये भी लेके आए हैं हिमालय का ही, हिमालय, हाँ हिमालय का। इसमें कुछ ऐसा निकलता है, इसमें मम्मा खुला है, ये दरवाजा बंद कर, खुला है। मम्मी ये क्या लगा इसके पीछे? ये लगता रहता है। ये लगा रहता है। क्या देख रहे हो? हम लेके आइए ₹50 बचे की डायरी लेके आए हैं। इसमें वो अपने जीवन कथा लिखेगी मेरी बहन। क्या देख रहे हो? और ये भी लेके आए हैं हम कच्चा मैंगो। भाई क्यों देख रहे हो आप? एक हम खा के भी देख लेंगे। अच्छा आम कच्चा दिखा रहे, जैसे देखा था मैंने टूटा टूटा। और ये लेके आए हैं मम्मी पेंट कलर का है, पेंट कलर। और ये पेंट ब्रश मैं आपको दिखाती हूँ कितना का। और ये हमें बहुत सस्ता मिला क्योंकि विशाल से हम बाहर से लेके आए थे, लोकल मार्केट से लेके आए थे। ये आपको दिखाती हूँ इसमें कैसा है। अराउंड हमें ये 150 का पड़ा है। ये इसमें इतने सारे कलर है, इसमें डोम्स के, डोम्स के अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा ही वाला। और हम लेके आए, अब बोलोगे विशाल का बैग तो नहीं है ये, तो हम अपना कैरी बैग खुद लेके गए थे। 15 रुपये क्यों खर्च करें हम? और चाय पत्ती, सोया सॉस, विनेगर और केचप, ये 3 चीज़ भी लेके आए हैं क्योंकि ये कुछ बनाते हैं ना चाहिए। ये टिश्यू पेपर, हमारी ब्रश भी लेके आए हैं और
ये भी लेके आए चाय छानने, चाय छानने के लिए विक्स, हैंड वॉश, मेयोनीज। A few moments later. सबसे पहले हम इसको डायमंड शेप में काट देंगे। ऐसे करते करते हमें ना सारे जो भी बेबी कॉर्न वगैरह सबको ऐसे करके काट देना है हमें, ठीक है? तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे काटना है। अब मैंने ये जल्दी काट लिया सारा, और उसके बाद मैंने ये प्याज भी काट लिया, और प्याज को बड़े बड़े पीस करके काटना है, मशरूम को भी बड़े बड़े पीस करके काटना है, ग्रीन चिली को काटना है हल्का लंबा वाला करके काटना है, और इसको मैंने बॉईल कर दिया है। इसको 1 से 2 मिनट तक ही बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना, ठीक है? ज़्यादा बॉईल करने से ये पूरा गल जाएगा, हमारा जो बेबी कॉर्न बना रहा है वो ना सॉफ्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ऐसे करते करते हमने इसको उबाल दिया है। हाँ, अब मैंने इसमें ये रेड चिली पाउडर और ये मैंने छान लिया था उसको, तो इसको मिक्स करना है सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। मैंने फिर सोचा कि मैं इसमें मशरूम क्यों ना ऐड कर लूँ, फिर मैंने मशरूम भी ऐड कर लिया, फिर हमने इन दोनों को मिला दिया। और ये मैं आपको बेबी कॉर्न पाउडर दिखा रही हूँ, बेबी कॉर्न पाउडर नहीं है, कॉर्नफ्लावर दिखा रही हूँ। हाँ, तो अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब मैंने ये गरम गरम तेल में बेबी कॉर्न पाउडर चुप गरम गरम तेल में अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे आपको मैंने पहले भी दिखाया था इसलिए मैं बार बार दिखाती रहूँगी अब। हाँ, अब इसको मैं फ्राई करूँगी हाई फ्लेम में। तो अब हाँ, अब ये फ्राई हो रहा है, और इसको ना ऐसे डालते ही मिक्स नहीं करना है, इसके 1-2 सेकेंड बाद मिक्स करना है इसको। तो ये मैंने निकाल दिया हमारे फ्राइड बेबी कॉर्न, और इसमें मैंने वो भी मशरूम भी किया था ना, तो मशरूम भी किया, इसमें मैंने मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाला है, और इसको कुक करेंगे हल्का ब्राउन होने तक। और उसके बाद मैंने इसमें इसमें मैंने अनियन और कैप्सिकम डाल दिया। कैप्सिकम और अनियन डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे हल्का ब्राउन होने तक। जब तक ये ब्राउन हो रहा है तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब ये हमारा मिक्स हो रहा है, और उसके बाद अब ना इसमें ना हम ऐड करेंगे सोया सॉस। 1 चम्मच ऐड करना था लेकिन मुझसे गलती से ज़्यादा रह गया था, क्योंकि मेरे कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं था। उसके बाद हमने विनेगर डाला, विनेगर नीचे भी गिर गया, उसके बाद हमने विनेगर डाल दिया हल्का सा। तो उसके बाद हम मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसमें जो भी है मेयोनीज वगैरह है, ये मैंने मोमोज की चटनी डाल दी थी तल के बची हुई, ये मेयोनीज डाल दी मैंने थोड़ी सी, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मत डालना। तो इसके बाद ये धुआं निकले इतनी तेज तेज की, उसके बाद फिर भी फिर हमने ये कुक कर दिया है। उसके बाद हमने ये हमारा बेबी कॉर्न डाल देंगे अब हम, और ये कंप्लीट हमारा ये रेसिपी हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी बनाना। ये मेरा बन गया है, दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, बट अब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब हम लेके जाते हैं मम्मी के पास, मम्मी के पास जाते हैं, उसके बाद मम्मी बताएगी कि कैसा लग रहा है। भगवान ठीक हो, बस कितना गर्म है, देखो बिना ये फल्लू है, ये तो कितना अच्छा है, क्यूट सा है, ये तो किसी को भी नहीं मारेगा, कुछ भी नहीं करेगा ये तो। देखो कितना अच्छा है, देखा देखो, छोड़ो देख कैसे खेल रहा है, कुछ कर रहा है वो, सो जाओ गुड्डू, ये रहा गुड्डू, आओ डुगू के साथ खेलेंगे, खेलेंगे डुगू के साथ, आओ तुम भी आ जाओ, नहीं मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं रहा भाई। गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और मैंने जो रेसिपी बनाई बेबी कॉर्न और मशरूम की, अगर आपको अच्छा लगे तो वो घर पे ट्राई करके देखना, बट सोया सॉस और विनेगर कम डालना, मेरे से गलती से ज़्यादा गिर गया था। सो बाय, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।